Hello everyone, so today we are going to start a new topic that is winnowing. यहाँ पे कुछ activity दिया हुआ है. Make a mixture of dry sand with sawdust of powder, dry leaves. Keep this mixture on a plate or a newspaper. कि यहाँ पे आपको एक activity दिया गया है कि sand के अंदर कुछ dry leaves डालने हैं या तो sawdust डालना है और बाद में इसको एक प्लेट के ऊपर या तो न्यूज़पेपर के ऊपर रख देना है. लोकेट दिस मिक्सचर केयरफुली. कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स मेड आउट इजीली. कि दोनों जब भी कोई डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अंदर मिक्स आउट नहीं होते हैं इजीली. आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर्स. कि जब भी दोनों कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, तो उसका जो साइज़ है वो भी अलग होता है, कभी भी सिमिलर नहीं होता है. वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग. के ऐसे जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं तो उसको हम हाथ के थ्रू अलग कर सकते हैं. जितने भी सो डस्ट है उसको अलग कर सकते हैं, पाउडर है उसको अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए कौन सी मेथड है? विनोविंग मेथड है. नाउ टेक योर मिक्सचर on an open ground and stand on a raised platform. कि क्या करना है कि आपका जो मिक्सचर है जिसके अंदर आपने सैंड, sawdust, पाउडर या तो ड्राई लीव्स ये सारी चीज़ें डाली है, तो बाद में आपको ये लेके आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हो जाना है. मतलब कि स्टूल लेके भी आप खड़े हो सकते हो. पुट द मिक्सचर इन द प्लेट और अ शीट ऑफ अ पेपर. कि उसको आपके प्लेट के ऊपर या तो शीट के ऊपर लेना है. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. कि उसको कहाँ तक रखना है? आपकी shoulder की height है उतना आपको upper portion पे पकड़ना है. Tight it slightly. कि थोड़ा tight tilt पकड़ना है. So that the mixture slides out slowly. Tilt मतलब कि थोड़ा टेढ़ा पकड़ना है कि जो mixture है वो slightly down आ जाए. What happens? Do both the components sand and sawdust or powdered leaves fall the same place? कि जो आप धीरे धीरे करके वो चीज़ को नीचे फेंक रहे हैं तो क्या होगा? जो soil particles हैं या तो sand हैं और जो sawdust है मतलब कि powdered leaves हैं या तो जो आपने उसके अंदर powder form में mix किया है, तो वो same जगह पे गिरेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा. Is there a components that blows away? Did the wind manage to separate the two components? कि ये दोनों components है तो वो different है. This method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. कि ये winnowing किसे कहा जाता है? कि जब भी कोई हम दो components mix हो गए हैं उसको अलग करते हैं किसके through? Air के through. या तो ब्लोविंग एयर मतलब कि फूंक मार के. तो ऐसे जो हैवियर चीज़ें हैं तो वो सीधा नीचे गिरेगा और जितना भी लाइट वेट हस्क है या तो और कोई चीज़ें हैं, पाउडर फॉर्म ड्राई लीव्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एयर की वजह से थोड़ा दूर गिरेगा. यहाँ पे नीचे एक इमेज दिया गया है जो कि मोस्टली फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं जब भी ग्रेन्स हैं उसको अलग करने के लिए ये चीज़ का यूज़ किया जाता है. This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grains. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया images में जो दिखाया गया है. The husk particles are carried away by the wind. के जो husk होता है मतलब कि जो wheat होता है उसके ऊपर जो layer लगा होता है उसको husk कहते हैं. तो वो wind के through अलग जाके गिरेगा और seeds heavy होते हैं ताकि वो नीचे गिरेंगे. तो ये winnowing के through पूरा process किया जाता है. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था विनोविंग के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम सीविंग के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.